फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 11.3 पढ़ेंगे और ये प्रश्नावली बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 6 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, है ना। प्रश्न है, दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि नीचे दी गई आकृति में दर्शाया गया है। तो हमारे पास ये दो आकृतियाँ हैं और ये दोनों घनाभाकार है। किस डब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, यानी हमें इन दोनों डब्बे को बनाना है। एक की जो लंबाई है वो है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो है 40 और ऊंचाई जो है वो 50 सेंटीमीटर है। और दूसरा जो घन है वो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, यानी ये घन हो गया, यानी ये क्या हो गया, घन हो गया। देखो, घनाभ और घन होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो घनाभ जो होता है वो एक 3D आकृति है। कैसी आकृति है? 3D आकृति है। तो घनाभ में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई, तीनों समान भी हो सकती है और तीनों अलग अलग भी हो सकती है। जब ये तीनों समान हो तो वो हमारा क्या बन जाता है, घन बन जाता है और हम उसको A लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A यानी भुजा, ठीक है, यानी इसकी सारी भुजाएं समान। जैसे ये देखो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करने का पूछेगा, तो देखो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछेगा। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ ये घन और घनाभ होता क्या है, है ना। जैसे इस प्रश्न में ये कह रहा है कि मेरे पास दो घनाभाकार डिब्बे हैं और बताओ किसको बनाने के लिए अधिक सामग्री चाहिए। तो यहाँ पर एक तो मैं पहले ये 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर वाला घन का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। ये 50 सेंटीमीटर का नहीं है लेकिन समझाने के लिए ये घन आकृति का मैंने जो है इसको पहले से कटिंग कर दिया है। अब इसमें देखो ये वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं समान होती है, तो ये इसकी लंबाई और ये चौड़ाई। फिर इसमें देखो इसमें ऊंचाई है और चौड़ाई है, है ना। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसमें भी है लेकिन सारी भुजाएं समान हैं। जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो क्या बनेगा, घन बनेगा। तो देखो इसको हम घन बना रहे हैं, ये मेरे पास बन गया घन, ठीक है। ये एक 3D आकृति है। तो जैसे आपका चौक का जो डब्बा होता है ना, वो आपका क्या होता है, घन होता है। तो ये मेरे पास बन गया घन। अब देखो इस घन की सारी भुजाएं समान हैं, इस घन की जो सारी भुजाएं हैं वो है समान। ये इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये वाली जो है इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। बात समझ में आ गई? तो घन होता है ऐसा। अब एक घन में हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो देखो इसके कुल कितने पृष्ठ है, इसके कुल 6 पृष्ठ है। ए पहला, फिर ये दूसरा, तीसरा, फिर इधर वाला चौथा, पाँचवा और ये आपका हो गया छठा पृष्ठ, है ना। तो टोटल इसके 6 पृष्ठ है। कितने पृष्ठ है? 6। जैसे आपके कमरा है तो वो भी घनाकार है, तो वो आपका क्या हो गया, तो 6 पृष्ठों वाला कमरा हो गया, है ना। तो इसके कुल 6 पृष्ठ है। और जब इन 6 पृष्ठों पर मैं कलर करूँगा, जैसे मान लो मैं इस पूरे पृष्ठ पर कलर करता हूँ, सभी पृष्ठों पर कलर करता हूँ, ठीक है, या कुछ भी कवर चढ़ाता हूँ, कलर करता हूँ या कुछ भी काम करता हूँ, तो इसको हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। तब मैं इसका क्या ज्ञात करूंगा, याद रखना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसका सूत्र कैसे बनेगा वो भी बताता हूं मैं। तो लेकिन इसको कहेंगे क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो भी आकृति है 3D आकृति, उसका एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि उसके सभी पृष्ठ पर जब कोई काम करते हैं तो उसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद होता है चार दीवारी का क्षेत्रफल, जिसे हम वक्र पृष्ठ भी कहते हैं, चार दीवारी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है कि जैसे मुझे इसको पूरा कलर नहीं करना है, मुझे क्या करना है, जो भी आपका कमरा है या जो भी आपका घन है, तो उसके जो ये चार दीवारें होती है, 1, 2, 3 और ये 4, तो ये जो चार दीवारें हैं उसी पर कलर करना हो तो मैं किसका क्षेत्रफल ज्ञात करूँगा, चार दीवारी क्षेत्रफल ज्ञात करूँगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसका याद रखना है। तीसरा आपके पास होता है आयतन। तीसरा क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो आयतन का फॉर्मूला, आयतन का मतलब समझो, जैसे मान लो ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये खाली बॉक्स है, ठीक है, मुझे इसको भरना है। जैसे मैं रुई से भर सकता हूँ, है ना, या कोई कपड़ा डाल के मैं इसको भर सकता हूँ। तो जब इस बॉक्स में मैं कोई चीज़ भरता हूँ तब इसका मतलब मैं क्या ज्ञात करता हूँ, आयतन ज्ञात करता हूँ। तो ये चीज़ें हम कैसे ज्ञात करेंगे, है ना, वो मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं घन, घनाभ की। घनाभ क्या होता है, देखो घन में तो सारे पृष्ठ समान होते हैं लेकिन घनाभ के सारे पृष्ठ अलग अलग भी हो सकते हैं, दो समान एक अलग भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो मेरे पास एक घनाभ है, ठीक है,
इसमें भी टोटल 6 प्रश्न है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब मैं इसको जोड़ता हूँ, जैसे मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है, तो ये आपके जैसे माचिस की डिब्बी होती है ना, वैसी आकृति बनती है। तो ये आपका घनाभ है, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्या हो गई, देखो ये इसकी लंबाई हो गई है ना, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये नीचे वाली इसकी ऊंचाई हो गई। बात समझ में आ गई। इसमें भी हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो ये सूत्र कैसे बनते हैं एक बार मैं वो बता देता हूँ आपको, क्योंकि जब सूत्र समझ में आएंगे तभी तो हम इसके प्रश्न आराम से कर पाएंगे, है ना। तो अब देखो इनके सूत्र मैं बना रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे मैं बात करता हूँ घनाभ की, ठीक है, तो घनाभ किससे बनता है, घनाभ बनता है आपके आयत से, ठीक है। क्या किससे बनता है, आयत से, है ना। जैसे यहाँ पर ये मेरे पास ये आयत हो गया, ठीक है, तो ये आयत की लंबाई हो गई और ये चौड़ाई होगी। तो ऐसे ऐसे कितने आयत है इसमें, 6 आयत है ना। लेकिन किसी में लंबाई चौड़ाई है तो किसी में ऊंचाई और लंबाई है, किसी में कुछ भी है, हो सकता है। जैसे देखो समझो इसको, जैसे मेरे पास ये मैं इस आयत की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई। नीचे वाला है तो इसमें भी लंबाई और चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी जो ऊपर वाला पृष्ठ है नीचे वाला भी है। तो ऐसी कितने आयत, लंबाई और चौड़ाई हो गई, ऐसे कितने आयत हो गए, 2। तो 2 आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब एक और आयत लेते हैं, जैसे मैं ये साइड वाला आयत ले रहा हूँ। अब इसमें क्या क्या है, देखो तो इसमें लंबाई है और ऊंचाई है, लंबाई है और ऊंचाई है, चौड़ाई इसमें नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई इंटू ऊंचाई। तो इधर है तो इधर भी तो होगा, है ना। तो इसमें इसमें भी कितने, 2 का क्षेत्रफल मैं ले रहा हूँ, तो 2 इंटू लंबाई इंटू, अब इसमें क्या है, ऊंचाई, फिर प्लस ऊपर वाला नीचे वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, अब मैं इधर वाला ले रहा हूँ, ठीक है। तो इधर वाले में देखो, इधर वाले में क्या है, ऊंचाई है और चौड़ाई है, ऊंचाई है और चौड़ाई है, समझ में आ गया। तो इसका 2 है, एक ये और एक ये, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 गुणा ऊंचाई इंटू चौड़ाई, या चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, कुछ भी लिखो, दोनों एक ही है। अब देखो सब में 2 कॉमन है सब में, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ले लिया। अब 2 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा, लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर प्लस का निशान। 2 बार आ गया लंबाई इंटू ऊंचाई, प्लस 2 बार आ गया चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये आपका किसका सूत्र बन गया, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र बन गया। अब इसको याद कैसे रखें, बहुत सिंपल है, इसको याद रखना बहुत सिंपल है। कैसे याद रखना, देखो जब भी आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आपको क्या करना है, लंबाई लिखनी, चौड़ाई लिखनी, ऊंचाई लिखनी, लिख दी, फिर 2 करके एक कोष्टक बना देना। अब क्या करना, लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणा करो एल इंटू बी, फिर प्लस का निशान, बी इंटू एच, फिर प्लस का निशान, एच इंटू एल, ठीक है, एच इंटू एल, ये आपके सूत्र बन गया। बहुत इजी है, 2 करके ब्रैकेट करो, फिर लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, ये बन गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हुआ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो मैं एक तरफ घनाभ और एक तरफ घन लिख देता हूँ। तो इधर मैं घनाभ का सूत्र लिखूंगा और इधर मैं घन का सूत्र लिखूंगा। तो घनाभ का सूत्र क्या है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है, मैंने इंटू हटा दिया बीच में से। अब घन, तो घन में क्या होता है, सारे पृष्ठ समान होते हैं, लंबाई भी समान, चौड़ाई भी समान, ऊंचाई भी समान। तो इस सूत्र में क्या करो, आप सबकी जगह ए लगा दो। तो देखो 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई ए गुणा ए प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई ए गुणा ए प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई ए गुणा ए, ठीक है। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कराना क्या होता है, वर्ग। तो ए का वर्ग, इसमें भी ए का वर्ग, इसमें भी ए का वर्ग, कितने ए का वर्ग है, 3 ए का वर्ग, तो 2, फिर कितने हुए टोटल, 3 ए का वर्ग, सब जुड़ गए। अब इन दोनों का गुणा करो, 3 × 2 = 6, 6 ए की घात। यानी इसके जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र आया है वो क्या आया, वो हमारे पास आया है 6 a² 2। तो ये संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल हो गए, ठीक है। अब चार दीवारी का क्षेत्रफल, तो देखो घनाभ में क्या होता है, 1, 2, 3 और 4, चार दीवारें होती है। तो जो पहली दीवार है, ठीक है, कैसे बनता है ध्यान रखना। जैसे मैं इसमें बात करूँ तो देखो क्या हुआ कि ये मेरे पास एक आयत है,
इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई है ना। तो जैसे अपन बात करते हैं अपने घर के कमरे की, तो वो कमरा कैसे बनता है आपको पता है? पहले ये चार दीवारें बनाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आयत हुआ। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता आयत का परिमाप। अब इसको क्या करो, इसकी दीवारें बना दो, यानी हमने किससे गुणा कर दिया, ऊंचाई से गुणा कर दिया, तो इंटू एच, ये आपके चार दीवारी का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। नहीं आया समझ में, अब आएगा। देखो ये आपकी क्या हो गई, ये इसकी परिधि हो गई। तो परिधि का सूत्र क्या है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्या करो, इसकी चारों दीवारों को बढ़ा दो। तो ये मैंने चार दीवारें बना दी, तो चार दीवारें बना दी यानी मैंने किससे गुणा किया इसको, मैंने इसको ऊंचाई से गुणा किया, ठीक है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है चार दीवारी का, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई यानी आयत का परिमाप लगा के इंटू ऊंचाई, ठीक है। बाउंड्री बना दो और उस बाउंड्री को ऊपर ले लो, यानी इंटू एच कर दो, तो वो चार दीवारी का क्षेत्रफल बन गया। वर्ग में क्या होगा, होगा वर्ग की कितनी भुजा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर। यानी या फिर आप क्या करो, इसमें सबकी जगह ए लगा दो, तो ये 2 हो गया, फिर यहाँ ए कर दिया, यहाँ भी ए कर दिया और यहाँ भी ए कर दिया, ए और ए जुड़ के क्या हो गया, 2A हो गया है ना, 2A हो गया और इंटू ये ए हो गया, तो 2 × 4 ए इंटू ए की घात 2। तो इसका सूत्र क्या बना, 4A की घात 2, ये हो गया चार दीवारी का क्षेत्रफल। अब आता है आयतन। तो देखो आयतन में क्या करते हैं, जो हम पानी लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले वो पानी कहाँ भरेगा, टंकी में। मान लो एक घनाभ आकृति की टंकी है और मैंने इसमें क्या करा, पानी छोड़ दिया, तो ये पानी पहले कहाँ भरेगा, पानी भरेगा अंदर नीचे तल में, ठीक है। यानी ये पूरा क्षेत्रफल इसने कवर कर दिया, तो ये क्या है, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पानी भर गया, लंबाई इंटू चौड़ाई में पानी भर गया, फिर और पानी आएगा, तो वो पानी कहाँ जाएगा, ऊपर उठेगा, यानी पानी ऊपर भरेगा धीरे धीरे उस टंकी में ऊपर भरेगा, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई तो पहले भर गई, अब क्या भर रही है, ऊंचाई, तो ऊंचाई को इससे गुणा करा दो, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब L की जगह A, B की जगह A और H की जगह A, तो A × A × A, किसी संख्या का 3 बार गुणा करो तो होता है 1³। तो यहाँ पर मैंने तीनों सूत्र लिख दिए हैं, अब आपको याद कर लेना है इनको, क्योंकि अब मैं सीधे प्रश्न करूँगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर वाला, नीचे वाला चार दीवारी का क्षेत्रफल, और तीसरा नंबर है आयतन। चलो अब प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, अब सब कुछ समझ में आएगा अपने को। तो देखो यहाँ पर मेरे पास ये घनाभ है और ये घन है। घन क्यों है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं समान है ना। अब इनमें से इनको बनाने के लिए ज़्यादा सामग्री किस में चाहिए, यानी कि अगर मुझे इस डब्बे को बनाना है तो क्या कर, ये मेरे पास सामग्री है ना, इस सामग्री को मैं ऐसे जोड़ूंगा है ना, लेकिन ये पूरी सामग्री है कितनी, तो इसमें क्या है, पृष्ठ है, यानी कि हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और मैंने अभी बताया था कैसे याद करना, L, B और H लिख दो, लिख दिया, ठीक है। इससे पहले आप क्या करो, लंबाई इसकी बताओ कितनी है, 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है ना, और ऊंचाई इसकी कितनी है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहले आप लिख देना है ना, ये माप वैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, फिर भी आप L, B और H करके इनके माप लिख देना। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, ठीक है। तो सूत्र में क्या करना, 2 करके कोष्ठक करना, फिर L इंटू बी, इसको हम L भी लिख सकते हैं, प्लस BH लिख सकते हैं, प्लस HL लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, इनके मान लगाने हैं। देखो याद रखना, इन दोनों के बीच गुणे का निशान है, इन दोनों के बीच गुणे का निशान है, ये छोटी छोटी चीज़ें अब आपको याद रख लेनी। तो ये 2, फिर ब्रैकेट, 2 और ब्रैकेट के बीच में भी गुणे का निशान है ना। L इंटू बी है ना, तो L कितना था, 60, B कितना है, 40, और H कितना है, 50। तो हमने क्या किया, L इंटू बी यानी 60 × 40, फिर प्लस 40 × 50, प्लस 50 × 60, हमने क्या करे, इनके मान लगा दिए, है ना, सिंपल। अब
जब भी एक लाइन के अंदर गुणा और प्लस दोनों का निशान हो तो पहले गुणा होगा फिर प्लस होगा यानी फिर जोड़ होगा। तो ये हो गया दो फिर ब्रैकेट। अब इनका गुणा कैसे करना है, 60 × 40 ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो टाइम लग जाएगा। सीधा गुणा बता रहा हूँ, गुणे करते समय देखो 60 × 40 में कितने जीरो, 1 2 तो 2 जीरो लगा दो, लगा दिए। अब 6 और 4 का गुणा करा दो तो 6 × 24, अब प्लस का निशान आया। गुणा समझ में, जितने जीरो है वो लगा दो फिर दोनों का गुणा कर दो। 40 × 50 तो कितने जीरो, 2 जीरो। अब 4 और 5 का गुणा, 5 × 20 फिर प्लस, कितने जीरो, 2 जीरो। 5 और 6 का गुणा, 6 × 5 = 30 और ब्रैकेट। अब आपको जोड़ करनी है ना, तो ये हो गया 2400 फिर 2000 और फिर 3000। ये 0 0 4, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो ये हो गया 2। अब ब्रैकेट क्योंकि हमने जोड़ दिया तो जोड़ने पर कितना आया, 7400। तो यहाँ ये ब्रैकेट हटने के बाद यहाँ गुणे का निशान आएगा। अब 2 का गुणा करो, 0 0 4 2 8, 7 2 14, तो इसका जो आपका क्षेत्रफल आया वो आया 14800 वर्ग, फिर ये क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। अगर वर्ग सेंटीमीटर नहीं लिखा तो सब गलत हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए मुझे कितना सामान चाहिए, 14800 वर्ग मीटर का सामान चाहिए। अब इसको चेक करते हैं, अब ये क्या है, घन है ना, तो हम लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका सूत्र क्या बताया मैंने, 6 a^2, यही बताया। अब क्या करो, ये 6 हो गया, यहाँ इंटू का निशान है, और ये आप एक ही जगह कोष्टक बना दो और यहाँ घात 2 लिख दो। अब देखो ए कितना है, देखो भुजाएं कितनी है, 50, तो ए आपका 50 है तो ए की जगह 50 लिख दिया। अब पहले इस वर्ग को हटाओ तो 6 × 50^2 का मतलब होता है 50 का 50 से गुणा, है ना। तो पहले वर्ग हटाओ तो क्या होगा, 50 × 50 हो गया यहाँ तक। अब सबको गुणा करो, तो देखो 0 और 0 तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दो, पहले गुणा करते हैं तो जो 2 जीरो लगा देते हैं ना। अब 5 और 5 का गुणा, 5 × 25। अब 6 का गुणा और करो तो 6 × 5 = 30 हासिल के 3, 6 × 2 = 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15। तो यहाँ ये आ जाएगा 150, है ना, और ये होगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब बताओ दोनों में से ज़्यादा सामान किस में चाहिए, इसमें चाहिए, है ना, क्योंकि ये 15000 है और ये 14800 है। तो ये हमारा डिब्बा हो गया ए और ये हमारा हो गया डिब्बा बी। ठीक है, तो किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है, तो ए डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। इसके बाद नीचे आप लिख देना, ए डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें इसका क्षेत्रफल कम आ रहा है, तो कौन है, ए। समझ गए, बहुत अच्छा प्रश्न था, मजा आया। चलो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, 80 cm × 48 cm × 24 cm माप वाले, यानी ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 cm चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो अब देखो समझो प्रश्न को, जैसे मान लो ये हमारा सूटकेस है, ठीक है, मान लो सूटकेस है और इसको कपड़े से ढकना है, तो सूटकेस तो पूरा ढकते हैं, है ना, तो पूरा ढकते हैं, इसका मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन ऐसे ऐसे सूटकेस जो है वो टोटल कितने हैं, 100 सूटकेस है, तो कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले एक सूटकेस का जो है हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखो लंबाई कितनी है आपकी, तो लंबाई दे रखी है 80 cm, चौड़ाई दे रखी है 48 cm और ऊंचाई दे रखी है 24 cm यहाँ से, है ना। अब एक सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होगा, 2 × मैंने कहा LBH लिखो, है ना, तो L × B प्लस B × H प्लस H × L, ये बन गया सूत्र।
अब मान लगाओ तो ये भी लिख दो, 80, 48 और 24। तो 80 गुना 48, दो ब्रैकेट, 80 गुना 48 प्लस 48 गुना 24 प्लस 24 गुना 80, मान लगा दिया। अब पहले गुणे करो तो देखो, दो ब्रैकेट 48 का 8 से गुणा करो पहले, तो 8 8 64, हासिल के 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो गया 38, तो ये हो गया आपके 384। फिर ये जीरो था तो ये जीरो भी लगाओ, ठीक है। क्या करा मैंने, जीरो लगा दिया, 48 का 8 का गुणा क्या कितना आया, 384। समझ में आया? अब देखो इसका गुणा करते हैं, 48 और 24 का, ये रफ कॉपी का काम है सारा, ठीक है। तो अब गुणा करते हैं 48 और 24 का, तो 8 चौक 32, हसल के 3 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, यहाँ गुणा 8 2 16, हसल का 1 4 2 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, ये 2 9 और 6 15, हसल का 1 9 10 और 1 11, तो 1152, इसका गुणा कितना आया 1152। अब अगला गुणा करते हैं, तो अगला गुणा देखो कितना है, 24 और 80 का गुणा, तो करो इसको भी, इसको मैं सीधा कर देता हूँ। देखो ये जीरो लगा देता हूँ, अब 24 और 8 का गुणा, तो 8 चौक 32, हासिल के 3, 8 2 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, तो 1920 गुणे हो गए। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है ना, इन सबको जोड़ दो, तो ये हो गया 2, और जब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, गुणा और ब्रैकेट हट जाएगा। तो देखो 48 3840, फिर 1152 और फिर 1920, जोड़ो इनको, ये हो गया 2 5 7 7 4 11, हासिल का 1 8 और 1 9 9 और 1 10 10 और 9 19, हासिल का 1 1 2 3 3 और 3 6, तो ये हो गया 6912। यहाँ तक समझ में आ गया? अब एक 2 और इसका गुणा करा दो, देखो क्या होगा, 2 2 4, 2 1 2, 9 2 18, हासिल का 1 6 2 12 और 1 13, तो ये हो गया 13824 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब ये क्षेत्रफल जो है आपके एक सूट केस का है, और ऐसे ऐसे कितने सूट केस है, 100 सूट केस है, तो हमें 100 का क्या निकालना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो भाई एक सूट केस का आपका जो क्षेत्रफल है 13824, तो 100 सूट केस का कितना हो जाएगा, तो 100 को आप इससे गुणा करा दो, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 100 सूट केस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 100 × 13824, एकदम सिंपल गुणा है, एक का इस पूरे से गुणा करो 13824 और 2 जीरो लगा दो, तो ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपके 100 सूट केसों का क्षेत्रफल हमारे पास में आ गया। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है, तो ये हमारे पास कुल क्षेत्रफल आ चुका है सूट केसों का, है ना, यानी इसको कवर करने के लिए कम से कम इतना कपड़ा चाहिए। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी, है ना। तो इससे कपड़े की आपके क्या दे दी, चौड़ाई दे दी, है ना, और हमें कितना तिरपाल चाहिए वो हमें ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, देखो इसको मिटा देते हैं, तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें देखो 96 सेंटीमीटर है ना, तो 96 सेंटीमीटर चौड़ाई है, जैसे मान लो ये कपड़ा है, ठीक है, तो ये कपड़े की लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो चौड़ाई कितनी दी, 96 सेंटीमीटर दी, लेकिन लंबाई तो दी नहीं, यानी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, और इस पूरे ये पूरा इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब 100 सूट केस है तो ये पूरा इसका क्या हुआ, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, लेकिन यहाँ इसकी जो है चौड़ाई दे दी लेकिन लंबाई नहीं दी, और हमें लंबाई ही ज्ञात करनी है, कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी, कि भाई क्षेत्रफल दे दिया लेकिन इसकी लंबाई यानी मीटर की जो ये कपड़े की जो लंबाई है वो हमको नहीं दी, है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसके बराबर होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये जो आपके इसका क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, बात समझ में आई। इसका जो ये मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल बराबर ये आपके कितना हुआ, 13 1,82,000
400, ठीक है, ये कपड़े का क्षेत्रफल। अब कपड़े का जो आपके क्षेत्रफल वो क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 13,82,400। अब लंबाई तो हमें नहीं दी लेकिन चौड़ाई दे दी, चौड़ाई कितनी थी 96 सेंटीमीटर, ओनली 96 सेंटीमीटर, है ना, बराबर 13,82,400। अब ये गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में, तो L बराबर 13,82,400 और ये गुणे में है तो इधर भाग में आएगा बट्टा 96। अब हमें जो है उत्तर किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है आपका सेंटीमीटर, है ना। तो हमें क्योंकि लंबाई चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक सेंटीमीटर है, इसको समझो थोड़ा, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो L बराबर जो भी उत्तर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, देखो सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कट गया तो यहाँ बचा सेंटीमीटर, और हमें मीटर में चाहिए उत्तर, वो हम बाद में करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या 96 का इसमें हम भाग दे सकते हैं क्या, ठीक है, तो देखो 96 का इसमें हम सीधा भाग देंगे, तो आपको भाग देना आना चाहिए, ये आपको रफ कॉपी में करना है, ठीक है, चलो इसका ध्यान रखना, ये 96 देखो एक बार जाएगा भाग, ये हो गया 96, 8 में से 6 गया 2 और 13 में से 9 गया तो ये बच गया आपका 4, ठीक है। अगली जो नंबर हमने उतारा वो है 2। अब 96 का अगर मैं 4 बार गुणा करूँ तो कितना आता है, 6 चौक 24, हासिल का 2, 9 चौक 36, 36 और 2 कितना हो गया 38। अब 5 बार करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 4 बार भाग देंगे तो ये आ गया 3, 8, 4। अब 12 में से 4 गया 8, 11 में से 8 गया 3 और 3 में से 3 गया 0, अगला नंबर उतारेंगे तो आया 2, ठीक है। अगेन हम जो है भाग देंगे, देखो इसको वापस घटाओ, 12 में से 4 गया 8 और 11 में से 8 गया 3, ठीक है, अगला नंबर 2 उतार दिया, तो वो कुछ गड़बड़ हुआ है, और गड़बड़ ये है कि ये संख्या कितनी है, 13,82,400, 13,82,400। अब ठीक है, तो यहाँ 4 आएगा, है ना, और देखो 4 बार भाग देने पर पूरा पूरा भाग गया गया, ठीक है, फिर ये 2 जीरो बच गए, वो यहाँ उतार दो, तो हमारा भाग चला गया है, कितनी बार गया, 144 और ये 00, लेकिन ये अब क्या है, सेंटीमीटर, और हमें उत्तर किस में लाना है, मीटर में। तो देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, देखो इसको समझाता हूँ, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो जब सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 100 का हमें भाग देना है, तो अब इसको मुझे मीटर में बदलना है, तो लंबाई कितनी आई, लंबाई यही आई 144 और 00 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 100 का, तो 2 जीरो कट गए, कितना आया उत्तर, 144। तो इसका उत्तर जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, मेरे पास जगह कम है, चलो कोई बात नहीं, नीचे लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ देखो L बराबर 144 00 बट्टा 100, 100 का मैं भाग देता हूँ तो उत्तर कितना आया, 144 मीटर, ठीक है। तो हमें कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, 144 मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी। अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया, पीछे करो, वापस देखो, है ना, और ये रफ कॉपी का काम है, ये आपको मैं क्योंकि जगह कम है इसलिए ऐसा समझा रहा हूँ। तो बहुत सिंपल है, हमने क्या करा, हमने सबसे पहले इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, मान लगाए, हमारे पास क्षेत्रफल कितना आया, 13,824 वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन ये एक सूटकेस का क्षेत्रफल है ना, जैसे मान लो ये एक सूटकेस है तो ये इसका क्षेत्रफल आया और ये एक सूटकेस हो गया आपके, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आया, और ऐसे ऐसे कितने हैं, 100, तो सबका क्षेत्रफल कितना आया, 13,82,400 वर्ग सेंटीमीटर। अब कपड़ा कैसा है कि भाई कपड़ा ऐसा है कि जिसकी चौड़ाई तो हमें दे दी 96 सेंटीमीटर लेकिन लंबाई हमको नहीं दी, तो हमें ये लंबाई हमें चाहिए, है ना। तो हमने क्या करा कि जितना क्षेत्रफल इसका होगा उस कपड़े का क्षेत्रफल भी उतना ही होगा भाई, बात समझ में आई, क्योंकि उसको पूरा कवर करना है,
है ना। तो कपड़े का क्षेत्रफल बराबर ये इसके बराबर होगा जितना क्षेत्रफल हमने लिया। अब कपड़ा कैसा है, आयत है, क्योंकि चौड़ाई दे दी, लंबाई निकालनी है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई निकालने के लिए हम चिन्हों का इसमें भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा, है ना। चलो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या चार है, सॉरी तीन हम भूल गए हैं। चलो पहला मैं चार कर देता हूँ, इसके बाद तीन कर लूँगा, ठीक है। तो पहले चार कर देते हैं। चार क्या है, रुक्सार ने 1 मीटर × 2 मीटर × 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। तो इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 1 मीटर, इसकी चौड़ाई है 2 मीटर और उसकी ऊंचाई आपकी कितनी है 1.5 मीटर। ये एक पेटी है, इसको बाहर से उसने कलर किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगहों से पेंट किया तो उसने कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट किया। बहुत मज़ेदार प्रश्न है। तो देखो, जैसे मान लो ये आपकी पेटी है, ठीक है, ये पेटी है। अब उसने क्या करा, उस पर रंग करा, लेकिन उसने क्या करा, उसने तल छोड़ दिया। तल मतलब ये जो नीचे वाला पृष्ठ है वो छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बाकी सब चीज़ों को पेंट कर दिया। तो बताओ उसने कितना भाग पेंट किया, 5 चीज़ों को पेंट किया, है ना, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो ये मैं नीचे वाला तल छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इसमें सूत्र काम नहीं आने वाला है, है ना। इसको हमें कैसे करना है, देखो ध्यान देना, उसने क्या करा, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसने क्या करा, देखो ऊपर वाले को गलत किया, नीचे वाले को नहीं किया। तो देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का खेल है, इसका क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस इसका क्षेत्रफल क्या है, बी इंटू एच प्लस इसका क्षेत्रफल क्या है, एच इंटू एल, ठीक है, ये एल हो गया। यही होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये लंबाई इंटू जो चौड़ाई है वो किसकी है, ऊपर वाले की और नीचे वाले की, ये दो पृष्ठ है, लेकिन नीचे वाला उसने नहीं किया, तो यहाँ से ये एक हट गया, ठीक है, हट गया। हाँ, तो इसने केवल ऊपर वाला किया, नीचे वाला नहीं किया। लंबाई इंटू चौड़ाई तल का भाग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके दो भाग नहीं, इसका एक भाग ही है, लेकिन बी इंटू एच यानी ये जो साइड वाले हैं बी इंटू एच, ये तो दोनों भाग है, तो ये दोनों जुड़ेंगे, और एच इंटू एल यानी कि ये जो भाग है इधर वाला और इधर वाला, ये भी दोनों भाग है ना। यानी तल को छोड़ दिया, ऊपर वाले को किया लेकिन नीचे वाले को नहीं किया, यानी यहाँ दो का गुणा नहीं होगा, यहाँ ए की एल इंटू बी आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एल इंटू बी प्लस दो बी एच या दो बी एच भी लिख सकते हो इसको, तो बी इंटू एच ही लिखता हूँ, चलो प्लस 2H × L। अब इसमें हमें मान लगाना है, तो देखो L कितना है, 1 × B कितना है, 2, फिर प्लस का निशान, यहाँ पर अब 2 आ गया। तो अब जो अगला जो हम लिखेंगे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना, या फिर आप करो यहाँ 2 का गुणा, यहाँ गुणे का निशान है, तो 2 × B कितना है, B आपका है यहाँ पर 2 × H कितना है, 1.5 प्लस 2, यहाँ इंटू का निशान है तो इंटू लगा देता हूँ, H आपका कितना है 1.5 इंटू L कितना है, L आपका है 1, चलो 2 × 1 = 2, फिर प्लस 2 × 2 = 4 और 4 का 1.5 से गुणा करो, 1.5 का 4 से, तो 5 × 4 = 20 हासिल के, 2 × 4 = 4 और 2 = 6, फिर एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट 6.0 का मतलब होता है 6, तो ये हो गया 6 प्लस, यहाँ देखो 2 × 2 = 2, 15 × 2 = 30, फिर एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, 3.0 का मतलब कितना होता है 3, इन सबको जोड़ो, 6 और 3 = 9, 9 और 2 = 11, 11 वर्ग मीटर, ये इसका आंसर होगा, समझ गए, बहुत ईजी है। देखो यहाँ थोड़ी काट छाट हुई है, सूत्र वापस लिख देता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। कैसे लिखना, एल बी प्लस 2 BH प्लस 2, फिर क्या आएगा, एच एल, है ना, एल बी एच है, एल एल बी एच, सूत्र क्या होता है, 2 LB प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है सूत्र। अब इन सब के बीच में गुणे का निशान है, तो यहाँ देखो इन तीनों के बीच में गुणे का निशान और इन तीनों के बीच में गुणे का निशान, तो देखो यहाँ मैंने गुणे का निशान लगाया, ठीक है, समझ में आ गया।
बहुत सरल प्रश्न है, बस समझने की बात है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो सूत्र याद है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले तो देखो आकृति कौन सी है, घन है, और घन की सारी भुजाएं समान होती है। अच्छा, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो जो दिया हुआ है वो लिख दो। हमें क्या करना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, सारी भुजाएं समान होती है ना, किसके, घन में। तो इसकी सारी भुजाएं समान है और इस भुजा को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। भुजा को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। बात समझ में आई। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² यही होता है ना। तो पहले आप लिख दो कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हम यहाँ क्या करते थे, सूत्र लगाते थे, लेकिन अब सूत्र नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि ये तो हमें दिया हुआ है और ये कितना है, 600 वर्ग सेंटीमीटर है ना, वर्ग सेंटीमीटर। ये cm² है ना, इसको क्या कहते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। चलो ये हमको दिया हुआ है, तो जब ये दिया हुआ हो तो फॉर्मूला हमें इस साइड में लगाना है, यानी इस साइड में तो 600 ही रहेगा और इस साइड में इसके नीचे फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a² अब देखो हमें एक ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करनी है, तो बाकी सबको उधर भेजना है। तो समीकरण में हम नियम पढ़ चुके हैं कि अगर इसके संख्या 6 में है तो वो इधर आएगी, तो किस में आएगी, भाग में। तो यहाँ कौन है, यहाँ 1² और 600, ये दोनों अपनी जगह पर है। ये 6 में है, इधर किस में आएगा, भाग में, और भाग का मतलब बट्टे में नीचे आएगा। अब 600 में 6 का भाग देंगे तो 6 से 6 कट गया, क्या बचा, 1। कितना आया उत्तर, 100 आया, ठीक है। लेकिन हमें a चाहिए, 1² नहीं चाहिए, तो इसको हम कहते हैं वर्ग। इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग। तो ये वर्ग जो है वो इधर आएगा, तो जब वर्ग इधर आता है तो वो वर्ग मूल हो जाता है। तो a बराबर 100 तो अपनी जगह पर है, ये 2 इधर आएगा तो वो वर्ग मूल बन जाएगा, और ये वर्ग मूल का क्या है, निशान है। अब वर्ग मूल कैसे ज्ञात करना, देखो वर्ग मूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो ध्यान रखना, जैसे 1 का वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, 1 × 1 = 1। 2 का वर्ग क्या होता है, 2 × 2 = 4। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 × 3 = 9। तो 9 का वर्गमूल कितना हुआ, 3। 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 2। बात समझ में आई। फिर 10 का वर्ग कितना होता है, 10 × 10 = 100। तो 100 का वर्गमूल कितना हुआ, 10। तो ये आपको 1 से 25 तक याद रखने हैं। तो a बराबर कितना आ गया, 10, और ये क्या होगा, सेंटीमीटर। भुजा सेंटीमीटर में और उसका क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग सेंटीमीटर में होता है। आप चाहो तो इसको ज्ञात भी कर सकते हो, वर्गमूल। मान लो आपको ये याद नहीं है तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे 100 है, ठीक है, तो 100 के अभाज्य गुणनखंड करो, और अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो हमें क्या करना है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनका भाग देना है। ये हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो मैं 2 का भाग दूंगा पहले, तो 5 × 2 = 10 और ये 0 लग जाएगा। फिर 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। अब 3 का भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, सीधा किसका जाएगा, 5 का, तो 25, फिर 5 का जाएगा एक बार। अब इसका, अब देखो अब क्या हुआ, मैंने क्या करा, ये जो 100 का वर्गमूल था इसके अभाज्य गुणनखंड करे, तो क्या आया, 2 × 2 × 5 × 5। अब जब जोड़ा बन जाए तो वो संख्या बाहर आ जाती है, तो इसका जोड़ा बन गया तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, इसका भी जोड़ा बन गया ये भी बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों का जब गुणा होगा वो इसका वर्गमूल होगा, है ना। तो 5 × 10, तो 10 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, वर्गमूल आ गया, यानी कि हमें भुजा ज्ञात हो गई, है ना। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको अब आनी चाहिए 8वीं कक्षा में, ये सब 6 कक्षा 6 की चीज़ें हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें इसको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 5 है, डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवार और छत को पेंट कर रहा है। ध्यान से, कमरे की दीवार और छत यानी तल उसने छोड़ दिया है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर है।
पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी, पहले प्रश्न समझेंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि मान लीजिए ये आपका कमरा है, ठीक है, ये हमारे पास एक घनाब हो गया। अब ये अपने पास कमरा है और इस कमरे की जो आपकी ये छत है, ठीक है, और ये चार दीवारें अंदर की ओर, ये चारों दीवार, ये कलर करनी है, नीचे वाला भाग कलर नहीं करना है, बात समझ में आई। तो अब इसके आयत के टोटल कितने पृष्ठ हुए, 5 पृष्ठ हुए, है ना, जैसे हमने पहले प्रश्न किया था वैसा ही है। तो हमने सूत्र कैसे बनाया था घनाभ का, हमने सूत्र ऐसे बनाया था कि क्योंकि इसमें एक लंबाई और चौड़ाई वाला एक आयत और नीचे भी एक आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ऐसे कितने हैं, 2 है, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस, अब देखो ये जो है इधर वाला और इधर वाला, इसमें क्या है, तो इसमें लंबाई और ऊंचाई है ना, लंबाई और ऊंचाई है, और इस वाले में क्या है, तो इस वाले में आपके चौड़ाई और ऊंचाई है, चौड़ाई और ऊंचाई है ना। तो ये हो गया 2 यानी 1 और 2, है ना, ये 2 है तो चौड़ाई और ऊंचाई बी एच प्लस, और ये वाली 2 दीवारें हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई और ऊंचाई, तो ये हमारे पास एक क्षेत्रफल निकल के आया। फिर हमने क्या करा, 2 को कॉमन लिया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल या एल एच, ठीक है, ये हमारा सूत्र बना था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। लेकिन हमें नीचे की जो दीवार है वो कलर नहीं करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 1 LB, क्योंकि ऊपर वाला कलर करेंगे नीचे वाला कलर नहीं करेंगे, तो इसमें एक ही आयत का क्षेत्रफल आएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, उसमें 4 दीवारें कलर हो जाएगी और ऊपर की छत कलर हो जाएगी, नीचे वाली छत कलर नहीं होगी। पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, फिर आगे के प्रश्न को समझेंगे। तो हम कहेंगे छत तथा दीवारों का क्षेत्रफल, छत तथा दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र ये वाला लगाना है ना, LB प्लस 2BH प्लस 2LH। सूत्र कैसे याद करना, LB और H, ठीक है, तो LB फिर 2BH फिर H और L या LH, ठीक है, 2LH, चलो ये सूत्र याद हो गया। अब हम इनके मान लगाते हैं, तो देखो लंबाई क्या है, लंबाई हमें दी हुई है 15 मीटर, चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई यहाँ हमें दी 10 मीटर, और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 7 मीटर। तो ये सारे मान हमको दे दिए, तो L का L इंटू बी यानी 15 इंटू 10, तो ये हमारा मान हो गया 15 इंटू 10, फिर प्लस 2 इंटू BH यानी 10 इंटू 7, तो यहाँ भी इंटू है, ध्यान रखना यहाँ तीनों में इंटू है, तो 2 इंटू ये हो गया 10 इंटू 7, फिर प्लस का निशान, 2 इंटू L, L कितना है 15, इंटू H हमारा कितना हो गया 7। अब इनको गुणा करना है, तो 15 का 10 से गुणा कितना हो गया 150, 10 का 2 से गुणा 20, 20 और 7 का गुणा 7 × 2 = 14, 140 प्लस 15 × 2 = 30, 30 का 7 से गुणा, ठीक है, तो 7 × 3 = 21 यानी कितना 210। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 0, 4 × 1 = 5, 5 × 5 = 10, हासिल का 1, 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4 × 1 = 5, तो ये हो गया 500 वर्ग मीटर, है ना, 500 वर्ग मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 500 m³, 500 वर्ग मीटर, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आपकी मर्जी। चलो तो अब यहाँ तक तो हमने ज्ञात कर दिया, अब क्या करना है, देखो अब हमें प्रश्न कह रहा है पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 m² यानी 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, ठीक है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितने कैनों की आवश्यकता होगी, है ना। तो देखो अगर एक कैन चाहिए तो एक कैन में कितना क्षेत्रफल है, 100 m², ठीक है। जब भी आपको कोई संख्या पूछे भाई कितनी कैन चाहिए, कितनी ईंटें चाहिए, तो देखो एक सूत्र बता रहा हूँ, अब हमें संख्या ज्ञात करनी है ना, तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बड़ा क्षेत्रफल बट्टा छोटा क्षेत्रफल, ठीक है, तो बड़ा क्षेत्रफल ये वर्ग मीटर जो होता है वो क्षेत्रफल होता है, तो बड़ा वर्ग ये है
और छोटा क्षेत्रफल ये वाला, देखो ये भी वर्ग मीटर है, ठीक है। तो बड़े में छोटे का भाग देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। तो हमें क्या ज्ञात करना, हमें केएन की संख्या ज्ञात करनी। तो केएन की संख्या बराबर क्या करेंगे, किसका क्षेत्रफल है ये, छत तथा दीवारों का क्षेत्रफल। तो आप सीधा क्या करो, 500 इसका क्षेत्रफल हो गया, फिर इसमें केएन का क्षेत्रफल यानी 100 का भाग दे दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5/1 का मतलब कितना, 5 केएन। तो कितने केएन की आवश्यकता होगी, 5 केएन की आवश्यकता होगी। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 देखो समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्रश्न है, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान है, यानी ये दोनों किस प्रकार से एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है ये हमें बताना है, और किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है ये भी बताना है। तो देखो इस आकृति की समानता क्या है, तो दोनों ही ठोस आकृतियां हैं। पहली बात तो ये आ गई कि दोनों ही कैसी आकृति है, 3D आकृति है। पहली बात तो ये दोनों में समानता है, तो हम कहेंगे दोनों आकृतियां ठोस आकृतियां है, ठोस आकृतियां है, तो ये इसकी समानता हो गई। और क्या समानता है, दोनों की ऊंचाई समान है, तो ये इनमें समानता है। लेकिन इसमें दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, तो ये घन है और इसको हम बेलन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये आपके ए नाम दे देता हूँ और ये बी, ठीक है। तो चित्र ए आपका बेलन है, ठीक है, चित्र ए बेलन है। जबकि चित्र बी क्या है, चित्र बी घन है। अब घन के सूत्र तो हमने देख लिए, भाई घन का संपूर्ण पृष्ठीय यानी सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना है, तो हमने पहले प्रश्न में देखा था 6a² है। फिर चार दीवार का क्षेत्रफल कितना है, तो चार दीवार का मतलब होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चार दीवार का मतलब क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो कितना है, 4a² किसका, घन का। और आयतन कितना निकाला था हमने, तो आयतन का सूत्र बताया था 1^3। लेकिन ये तो सारे सूत्र घन के, अब ये बेलन क्या होता है, तो ध्यान रखना बेलन क्या होता है। बेलन जैसे ये मेरे पास एक आयत है, ठीक है, ये एक आयत है। जब इस आयत को मैं फोल्ड करता हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार के ये आपके वृत्त बनते हैं, और जब मैं इन वृत्त को ढक देता हूँ दोनों तरफ से, तब जाके आपका बनता है बेलन। बात समझ में आई, ये आपका क्या बन गया, बेलन बन गया। इस ऐसे आपके क्या बनता है, बेलन बनता है। दो तो वृत्त है और एक आयत है। और ध्यान रखना, ये जो आपका बेलन है ना, ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई ये वाली है, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई बेलन की, ठीक है, ये बेलन की ऊंचाई हो गई। और ये जो है 7 सेंटीमीटर, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई। इसका मतलब ये है कि ये वृत्त का व्यास हो गया, ये वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। अब इसके सूत्र क्या है, ये कैसे बनता है, आयत से बनता है अभी हमने देखा, लेकिन इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर ये मेरे पास वृत्त है, ध्यान देना ये वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त की ये क्या हो गई, परिधि हो गई, ये क्या हो गई, परिधि। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये वृत्त की परिधि का सूत्र हमने कक्षा 6 और 7 में पढ़ा था, ये वृत्त की परिधि है। अब इस वृत्त की परिधि में ऊंचाई बढ़ा दूं, यहाँ चारों तरफ से ऊंचाई बढ़ा दूं, ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी, ये ऊंचाई बन गई आपके चारों ओर, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ये चारों तरफ ऊंचाई बन गई इसकी, ठीक है। तो अगर जब मैं इसको, इस वृत्त को जो है दीवारें बढ़ा दूं, ठीक है, इसकी दीवारें बढ़ा दूं, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, तो ये चार दीवार इसके बन जाएगी। क्या करा, जो परिधि है, ठीक है, ये आपकी परिधि है और इसकी दीवार ऐसे मैंने बना दी, इसकी दीवार बना दी, यानी ये वृत्त की परिधि क्या हो गई, 2πr, और इसको ऊपर लिया मैंने, यानी h से गुणा कराया, तो ये आपके चार दीवारें कुछ इस प्रकार से, ये वृत्त छोड़ दो, ये नहीं मिलेगा आपको,
ये नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है, खाली ये चीज मिलेगी, ये खाली ये चीज मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करा? जो आपकी परिधि है 2πr, उसमें h का गुणा कर दिया, तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन गया। अब अगर मैं इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक वृत्त और दूसरा वृत्त, ये दोनों वृत्त यानी दोनों ढक्कन लगा दूं, तो ये बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने क्या किया, इस 2πrh में πr² ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² ये πr² कितने वृत्त, एक और एक दो, तो यहाँ दो लगा दो, तो ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और आयतन क्या होता है कि भाई पहले पानी कहाँ भरेगा, तो पहले पानी इस वृत्त में भरेगा, है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया ये, तो क्षेत्रफल हो गया πr². अब फिर पानी धीरे धीरे ऊपर आएगा, है ना, तो एक्स से गुणा कर देंगे, तो ये आपका क्या हो गया, आयतन हो गया। तो ये आपके सूत्र हो गए किसके, बेलन के। अब हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न करते हैं, हम सूत्र तो समझ चुके हैं लेकिन प्रश्न कैसे करना है देखो। तो क्या समानता और क्या भिन्नता है वो हमने लिख दी। अब इन दोनों के हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो हम पहले आकृति ए, जो आपका बेलन है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले बेलन की देखो, ये तो आपकी ऊंचाई है, ये बेलन की क्या होती है, ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और इस बेलन का जो ये व्यास है, ये पूरा क्या होता है, व्यास, इसको हम डी लिखते हैं। तो व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इसमें त्रिज्या चाहिए, क्यों, क्योंकि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr यानी परिधि, और उसको ऊंचाई से गुणा कर दो, तो ये आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें h तो हमारे पास आ गया लेकिन r नहीं आया, तो ध्यान रखना ये जो व्यास है, इस व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या होती है, यानी ये जो वृत्त है ये आपकी क्या होती है, त्रिज्या, और ये पूरा क्या होता है, व्यास। तो इसको जब मैं आधा करूँगा, यानी 7 को जब मैं आधा करूँगा, d को जब मैं आधा करूँगा यानी 2 से भाग दूंगा, 7 को 2 से भाग दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी। तो ये मेरी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब हम इसमें मान लगाएंगे, देखो इसमें कोई निशान नहीं है तो सब जगह गुणे का निशान है, तो ये हो गया 2 गुणा। पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 22/7, तो ये हो गया 22/7, पाई का मान आ गया, इंटू आर, आर का मान कितना है, 7/2, गुणा एच, एच का मान कितना है, 7। तब देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 22/7, और 22 का 7 से गुणा करेंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया, किसका, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आ गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। अब हम निकालेंगे इस घन का 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी यानी इसको भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहते हैं। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर 4a², यही होता है ना, मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो ये हो गया 4, फिर यहाँ गुणे का निशान, फिर यहाँ a की जगह कोष्टक, और यहाँ घात 2। a का मान कितना है, यहाँ पर देखो सारी भुजाएं 7 है, तो ये 7 हो गया, फिर 4 गुणा 7 का वर्ग यानी 7 का 7 से गुणा, अब इसका सबका गुणा करो, तो उन ये 4 × 49, ये 7 × 7 49, और इसका हम 4 से गुणा करेंगे, तो 9 चौक, तो ये हो गया 9 चौक 36, हासिल का 3, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19, तो ये हो गया 196 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया। तो इसका 154 वर्ग सेंटीमीटर और इसका 196 वर्ग सेंटीमीटर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। प्रश्न संख्या 7 है, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है, उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमें कुल मिला के एक बेलनाकार टैंक बनाना है, और उस टैंक की जो त्रिज्या है ना, जैसे प्रकार से प्रकार को हम 7 मीटर खोलेंगे और ऐसे घुमाएंगे, तो ये आपके इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7 मीटर।
फिर ऐसे हम क्या करना है, पूरा एक टैंक बनाना है इतना बड़ा, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई इसकी कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई, ठीक है। तो त्रिज्या तो 7 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर, तो एक टैंक बनाना है चादर का। चलो प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक चादर है, अब वो लोहे की भी हो सकती है और एल्यूमिनियम की भी। हमें क्या करना है, इसको टैंक बनाना है। ये मैंने बना दिया इसका टैंक, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, इस चादर पर, इस टैंक पर हमें दोनों तरफ ये व्रत लगाने हैं, एक बार इस पर और दूसरी बार नीचे वाले पर, है ना। ये तो इसमें कितनी मात्रा हुई वो हमें बताना है, टोटल कितनी मात्रा हुई, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो देखो अब ये टंकी बनी कैसे, है ना, वापस बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या करा, व्रत की परिधि ली, व्रत की परिधि। तो पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, त्रिज्या कितनी है इसकी, आर है 7 मीटर और उसकी ऊंचाई कितनी है, एच है 3 मीटर, ठीक है। तो ये आर आपकी कितनी हो गई, 7 मीटर हो गई। ये मैंने एक व्रत लिया, और व्रत की परिधि क्या होती है, तो व्रत की परिधि होती है 2πr, पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको ऊंचाई से गुणा किया, तो इसकी ऊंचाई आ गई, ये जो आपका व्रत था उसकी ऊंचाई आ गई, है ना, व्रत था उसकी ऊंचाई आ गई, तो ये ऊंचाई हो गई इसकी, तो ये इस प्रकार से ऊपर आ गया, आ गया। ये आपके एच से हमने इसको गुणा कर दिया, किसको, परिधि को, तो ये ऊपर भी ऐसे गोल गोल हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर एक ढक्कन लगाएंगे, यानी हम ढक्कन का मतलब क्या हो गया, व्रत का क्षेत्रफल, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे कितने क्षेत्रफल है, दोनों तरफ ढक्कन लगाएंगे, तो प्लस एक ढक्कन का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसको 2 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 ढक्कन है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो क्षेत्रफल बना है, ये बना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो आपके धातु की चादर की मात्रा है ना, ये है, है ना। तो हम कहेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, इसकी मात्रा कितनी होगी वो इससे आएगी। तो यहाँ देखो, यहाँ सब गुणे के निशान है, ध्यान रखना है, यहाँ प्लस का निशान है और वापस यहाँ गुणे का निशान। तो ये हो गया 2 गुणा, पाई का मान कितना होगा, 22/7 गुणा, आर का मान कितना है 7 गुणा, एच का मान कितना है 3, मान लगा दिया, ये प्लस आ गया, फिर यहाँ 2, यहाँ गुणे का निशान, पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर की जगह डब्बा कोष्टक बनाना है और ऊपर क्या है, घात 2, और आर कितनी है 7। अब 7 से 7 कट गया, है ना, तो यहाँ क्या बचा, 2 गुणा 22 गुणा 3 प्लस, यहाँ भी, अब देखो यहाँ आपके क्या हो रहा है, 7 का वर्ग मतलब 7 × 7, तो 1 7 से 1 7 कट गया, 1 7 बच गया, ठीक है। तो यहाँ किसका गुणा, 2 गुणा 22 गुणा 7, चलो गुणा करते हैं, 2 का 22 से गुणा 44, अब 44 का 3 से गुणा प्लस, 22 का 7 से गुणा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 22 का पहाड़ा याद है, 22 7 = 154, तो 2 गुणा 154। अब या तो आप तीनों का एक साथ गुणा करके लिख दो तो भी सही है, है ना, मैंने जैसे किया वो करना ज़रूरी नहीं है, आपको इन तीनों का गुणा करना है कुल मिला के। चलो मैं कर देता हूँ, एक साथ कर देता हूँ, पहले 22 का 3 से गुणा, तो 22 का 2 से गुणा कर दो, 44 हो गया, अब 3 से गुणा कर दो, 4 × 3 = 12, हासिल का 1 12 और 1 13 कितना हो गया, 132 प्लस, अब इनका गुणा, तो पहले 22 का 2 से कर दो, तो 22 × 2 = 44, अब 7 से कर दो, 7 × 4 = 28, हासिल के 2 × 7 = 28, 28 × 2 कितना हो गया 30, तो ये हो गया 308। अब दोनों को जोड़ दो, 2 8 × 2 = 10, हासिल का 1 3 × 1 = 4 3 × 1 = 4, 440 वर्ग क्या है, मीटर, यहाँ मीटर है तो मीटर, तो इसका जो टोटल मात्रा होगी वो कितनी होगी, 440 वर्ग मीटर। प्रश्न संख्या 8 है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर है, इसे उसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है, आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अगले प्रश्न में हमने बेलन के बारे में पढ़ा था, है ना। अब बेलन कैसा है, अब बेलन खोखला है, यानी ऊपर नीचे कुछ नहीं, एकदम खोखला बेलन है, ये खोखला बेलन हो गया। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया इसका ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये आपका वक्र पृष्ठीय यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इसका, ये वाला,
ठीक है। और ये हमें दिया हुआ है, ये हमें कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको ऊंचाई के अनुदिश, ये इसकी ऊंचाई हो गई, इसकी ऊंचाई कैचिस के ऊंचाई के अनुदिश यानी कैचिस से इसको काटना है, ये मैंने काट दिया, ठीक है, क्या बन गया, आयत बन गया, है ना। काट कर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार सीट चादर बनाई जाती है। तो इसकी चौड़ाई तो 33 हो गई, अब इसकी लंबाई हमें पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई हमें पता नहीं है, ऊंचाई पता होती तो इसकी लंबाई भी हम निकाल देते हैं। तो चौड़ाई दे दी, चौड़ाई कितनी है 33 सेंटीमीटर। अब उसका परिमाप ज्ञात करना है, समझ में आ गया प्रश्न। तो हमें दिया हुआ क्या है, उसी से हम उत्तर निकालेंगे। हमें दिया हुआ है कि ये जो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 4224। जब हमें क्षेत्रफल दिया हुआ हो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमें दी हुई हो, तो क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो ये क्षेत्रफल का सूत्र हम इसके नीचे लगाते हैं। तो बराबर के इधर तो कितना हो गया 4224, और इसके नीचे जो सूत्र है वो लगाना। सूत्र क्या है कि जो वृत्त होता है उसको ऊंचाई तक आगे बढ़ाना, ठीक है। तो वृत्त की ये क्या हो गई, परिधि। तो परिधि क्या है, 2πr, फिर उसको हाइट h तक बढ़ाया जाता है, तो h से हम गुणा कर देते हैं, यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको इसके अनुदिश काट रहे हैं, ऊंचाई के अनुदिश काट रहे हैं। तो जब मैं इसको ऊंचाई के अनुदिश काटूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। अभी मैंने बताया इसकी चौड़ाई हमें दी हुई है 33 सेंटीमीटर, है ना, इतना तो समझ में आया। चलो, और इसकी जो ये ऊंचाई है यानी ये जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें आयत का परिमाप निकालना है, और परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चौड़ाई तो है लेकिन लंबाई हमारे पास नहीं है, तो यहाँ से हमें h निकालना पड़ेगा। यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, h निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलो देखो, ये सूत्र हमारे कहीं काम आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमें त्रिज्या दी हुई नहीं है। जब त्रिज्या नहीं दी हुई है तो हम काम कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास क्या आइडिया हो सकता है। तो एक आइडिया हमारे पास हो सकता है, क्या हो सकता है, देखो जो मैंने बेलन लिया था, समझना इसको ध्यान से, जो मैंने बेलन लिया था, ठीक है, ये क्या हो गया, उसका क्षेत्रफल हो गया। जब इसको काटूंगा मैं तो क्षेत्रफल वही रहेगा, चेंज थोड़ी ना होगा। भाई देखो, ये इस प्रकार से है तो जितना क्षेत्रफल है काटने के बाद भी उतना का उतना क्षेत्रफल रहेगा। तो मैं यहाँ एक लाइन लिख सकता हूँ, क्या लाइन लिख सकता हूँ कि काटने के बाद ये क्या बन गया, आयत बन गया, है ना। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, इस बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। हम कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होगा। अब देखो ये कितना दिया हुआ है अपने को, ये हमें दिया हुआ है 4224 दिया हुआ है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। अब लंबाई हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई हमें दी हुई है 33 बराबर 4224। अब हमें L ज्ञात करना है, तो L यही रहेगा, 4224 भी यही रहेगा, 33 गुणे में है तो बराबर के इधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा। अब भाग दे दो 42 24 में 33 का, ठीक है, तो 33 एकम 33, 12 में से 3 गया कितना बचा 9, और 3 में से 3 गया 0, अगली संख्या उतार दी 2। अब 3 बार भाग तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार भाग देंगे तो कितना हो गया 66, 12 में से 6 गया 6 और ये बच गया 8, 8 में से 6 गया 2, अगली संख्या उतारेंगे हम कितनी हो जाएगी 4। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलते हैं तब 4 आता है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 12, 3 × 18 = 3, 3 × 6 = 21, 3 × 7 = 21, तीनों 8 = 24, है ना। तो इसका 8 बार गुणा करो, क्योंकि 24 में पीछे 4 आ रहा है, तो सीधा 8 से गुणा करके देखते हैं उत्तर आता है नहीं, 3 × 8 = 24, हासिल का 2 = 24 और 2 = 26 आया, है ना। तो यह इसका मतलब ये कितनी बार गया भाग, 8 बार, पूरा भाग चला गया, कितना आया उत्तर 128। तो जो लंबाई है वो आई आपकी 128 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में निकालना है। चलो अब हमें ज्ञात क्या करना, हमारे पास लंबाई आ गई, तो लंबाई आ गई तो हमें परिमाप ज्ञात करना है ना। तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप,
आयत का या चादर का जो भी है आयत का परिमाप क्या होता है, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ कर रहा हूँ मैं दो कोष्टक, लंबाई कितनी निकाली 128, चौड़ाई कितनी है 33, है ना। तो चलो अब ये दोनों जुड़ेंगे, दो कोष्टक 8 और 3 कितना हो गया 11, हासिल का 1 3 और 1 चार, 4 और 2 6 और ये हो गया 1। ठीक है, जोड़ते हैं इनको, जोड़ेंगे तो कोष्टक हटेगा, कोष्टक हटेगा तो यहाँ गुणा आएगा। अब 2 का गुणा करा दो, 2 एकम 2 6 दूनी 12 हासिल का 1 2 एकम 2 1 3। तो इसका जो परिमाप है वो कितना आया, 322 सेंटीमीटर। परिमाप सेंटीमीटर में आता है, ध्यान रखा, क्षेत्रफल जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो इसका भी थोड़ा आप विशेष कर ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न तो समझ में आया ना। देखो क्या करना है भाई, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही तो बेलन का क्षेत्रफल है ना। क्यों? क्योंकि इसको काट कर, इस बेलन को काट कर जो इसका क्षेत्रफल था इसको हमने काटा, तो क्षेत्रफल तो वही हुआ ना, बन गया आयत। तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही बेलन का क्षेत्रफल होगा। बेलन का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। अब चौड़ाई हमें दी हुई है लेकिन लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। लंबाई क्यों ज्ञात करनी पड़ेगी? क्योंकि परिमाप में लंबाई आती है। बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न करो। प्रश्न संख्या 9 है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका मैं जो आपका ये रोलर जो होता है, इसके रोलर का जो आगे का भाग है, आपकी किताब में चित्र बना हुआ है, मैं रोलर का आगे वाला भाग का चित्र बना लेता हूँ। जैसे ये आपका रोलर है, ठीक है, ये बेलना आकार का होता है, तो ये रोलर हो गया। अब इस रोलर की जो ये आपके लंबाई दे रखी है वो है 1 मीटर, ये 1 मीटर की है, और इसका जो व्यास है ना वो आपके दे रखा है 84 सेंटीमीटर, है ना, मीटर नहीं 84 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, ये रोलर हो गया। अब ये कितने चक्कर लगाता है? टोटल 750 चक्कर लगाता है, ठीक है, तब जाके आपकी वो रोड जो होती है वो समतल होती है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि वो 750 जब चक्कर लगाएगी तो उसका कुल कितना क्षेत्रफल होगा, कितना क्षेत्रफल कवर होगा, वो हमें बताना है। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान से समझ। जैसे आपका ये रोलर हो गया, ठीक है, तो अब ये रोलर जो है एक चक्कर लगाएगा, यूँ जैसे ये सड़क हो गई, ठीक है, तो सड़क को समतल करना है तो ये एक चक्कर लगाएगा, ऐसे ये एक चक्कर लगाया, फिर ऐसे 2 चक्कर 3 चक्कर ऐसे करके कुल कितने चक्कर लगा रहा है, वो 750 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो जब 750 बार वो जाएगा तो वो जो भी जितनी बार जाएगा वो उसका क्षेत्रफल आएगा। जैसे ये इतना चला तो ये इतना क्षेत्रफल आ गया, फिर इतना चला तो इतना क्षेत्रफल आ गया, तो 750 बार चलेगा तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम इसका फर्स्ट राउंड यानी एक चक्कर का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 750 से गुणा करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कुल मिला के देखो कौन सा हिस्सा जो है क्षेत्रफल के लिए यूज आ रहा है, ये वाला आ रहा है क्या, ये वाला आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, केवल ये वाला भाग आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे। उससे पहले हम लिख देते हैं जो हमें दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें दिया हुआ है आर, आर कितना है, देखो आर हमारे पास नहीं है, ये व्यास है, क्या है, व्यास है। और व्यास को जब हम आधा करते हैं, व्यास को जब हम आधा यानी 2 का भाग देते हैं तो आपका क्या आता है, त्रिज्या आता है। तो मैं भाग दे रहा हूँ, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 42 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई, त्रिज्या आ गई। और ये जो है ये लंबाई जो है वो ऊंचाई होती है, ठीक है, तो ये ऊंचाई आ गई हमारे पास में 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 का 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, समझ गए। अब मैंने इसको सेंटीमीटर में बदल दिया, उत्तर आपका किस में आ रहा है,
उत्तर आपका आ रहा है मीटर में, है ना, तो मीटर में बदल देंगे बाद में, अभी सेंटीमीटर में ही रखते हैं इसको, या मीटर में ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं, मीटर में रहने देते हैं। चलो ये 1 मीटर हो गया, इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, तो इसमें 100 का भाग दे दो। एक बार एक काम करते हैं, इसको 100 सेंटीमीटर करो, फिर बाद में मीटर में बदल देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब क्योंकि इसका हमें ये वाला भाग ही चाहिए, ये वाला भाग ही यूज आ रहा है, तो एक चक्कर जब रोलर रोलर द्वारा एक चक्कर लगाने पर, क्या करने पर, जब वो एक चक्कर लगाएगा तब वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तब वक्र पृष्ठ का आपका क्षेत्रफल होगा, सूत्र होगा 2π r और h, यही होगा। अच्छा अब ये चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, 2 तो 2 हो गया, इंटू पाई क्या होता है 22/7, इंटू आर मैंने कितना लिया 42 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू ये क्या हो गया 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदल दिया। ये एक चक्कर का है, ये कितना है एक चक्कर का, ये इसका वक्र पृष्ठ आएगा, ठीक है। अब देखो 7 का पहाड़ा दोनों में है, तो मैंने 7 का भाग दिया, 7 एकम 7 और 7 छंग 42, तो अब यहाँ ऊपर जो संख्या बची उनका गुणा करा, तो 2 × 22 × 6 × 100, तो 2 का 22 से गुणा किया 44, फिर 44 का 6 से गुणा करो, तो 6 चौक 24, असल के 2 6 चौक 24 और 2 26, 264, और 264 का 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 0 आ जाएगा, तो ये हो गया 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें उत्तर किस में चाहिए, मीटर में, कोई बात नहीं, इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो जब देखो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आता है तो मतलब होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और मुझे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, यानी हमें 100 × 100 का भाग देना पड़ेगा। तो मैं यह करूँगा 26,400 का 100 × 100 से भाग दूंगा, तो ये मीटर में बदल जाएगा, तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट हो गया। अब इसका भाग देना बहुत आसान है, नीचे कितने 0 है, 2 0, 1 2, तो ऊपर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो उत्तर आया 2.64 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या आ गया, वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये तो केवल एक चक्कर का आया है, ऐसे ऐसे वो कितने चक्कर लगा रहा है, 750 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 750 चक्कर में कुल सड़क का कुल क्षेत्रफल, सड़क का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि जो क्षेत्रफल आया 2.64 उसका 750 से गुणा कर दो, तो मैं क्या कर रहा हूँ 750 का इससे गुणा कर रहा हूँ, तो सिंपली आपको गुणा करना है, पहले ये हो गया 0 5 चौक 20, असल का 2 7 चौक 28 और 2 कितना हो गया 30, गुणा 0 6 5 चौक 30, असल का 3 7 छंग 42, 42 और 3 कितना हो गया, 42 और 3 हो गया 45, क्रॉस क्रॉस 2 का गुणा 0 से 0 5 दुनी 10, असल की 1 7 दुनी 14 और 1 15, जोड़ो इनको 0 0 0 और 5 और 3 8, 5 और 4 9 और ये 1। तो अब देखो पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो ये 1 और ये 2, यहाँ पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद 0 0 का कोई मतलब है नहीं, तो उत्तर कितना आया 1980 वर्ग मीटर, ये कुल क्षेत्रफल आएगा सड़क का, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ना। क्या करा, जैसे ये सड़क है, ठीक है, इस सड़क में हमने क्या चलाया, रोलर चलाया, अब ये एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर, ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा क्षेत्रफल आता है इतना, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का क्षेत्रफल हमारे पास आता है, इस भाग का पूरा क्षेत्रफल आता है, तो ये पूरा जो क्षेत्रफल है वो कितना हुआ 2.64, लेकिन हमें तो पूरी सड़क का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये रोलर कितनी बार घूम रहा है यहाँ पे, 750 बार घूम रहा है, तो जब 2.64 का 750 से गुणा किया तो इस सड़क का क्षेत्रफल आ गया, यानी यहाँ का क्षेत्रफल हमारे पास में, ये पूरा भाग हमारे पास में आ गया,
और कितना आया 1980 वर्ग मीटर। प्रश्न संख्या 10 है, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है जैसा कि आकृति में दर्शाया हुआ है। यदि यह लेबल बर्तन के तेल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं एक बार पहले चित्र बना लेता हूँ, फिर आपको इसको समझाता हूँ। तो चित्र मैंने बना दिया है, अब देखो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। ये एक मेरे पास डब्बा है, उस डब्बे में क्या करना है कि इसकी जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर की और इसका जो व्यास है वो है 14 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले मैं इसकी त्रिज्या और ऊंचाई लिख देता हूँ। तो देखो हमें जो दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें जो त्रिज्या कितनी दी, ये व्यास है, व्यास का आधा जो है वो त्रिज्या होती है। तो 14 में हम 2 का भाग देंगे तो 14/2 कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो ये तो इसकी त्रिज्या हो गई। अब ऊंचाई देखते हैं, ऊंचाई यहाँ पर इस डब्बे की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन चलो एक बार लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या करना है कि ये जो आपका भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि ये जो लेबल लगा हुआ है वो 2-2 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे से लगा हुआ है, बीच का लगा हुआ है। तो कुल मिला के क्या है, जैसे मान लो ये आपके दूध का डब्बा है, ठीक है, यहाँ नीचे ऊपर से पैक है ये पूरा, ठीक है, दोनों तरफ नीचे ऊपर से पैक है। अब यहाँ उसको एक स्टिकर लगाना है पूरा राउंड में, यहाँ पर, ठीक है, पूरा राउंड में लगाना है, ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे 2 सेंटीमीटर छोड़ के। इसका मतलब हमें केवल इसका क्षेत्रफल चाहिए, है ना। इसका मतलब इसकी हाइट कितनी हो गई, देखो इसकी हाइट हो गई हमारे पास में 2, तो ऊपर से गई 2 नीचे से गई, है ना। यानी ये ऊपर से और नीचे से 2 और 2 4 चली गई, तो 20 में से 4 गया, कितना बचा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब लेबल की ऊंचाई कितनी हो गई, लेबल की जो ऊंचाई है, ऊंचाई लिख देते हैं, चलो ऊंचाई वो कितनी हो गई, वो आपके हो गई 20 माइनस 4, क्योंकि 2 ऊपर 2 नीचे, 2 और 2 4 हो गया, 20 में से 4 गया 16, 16 सेंटीमीटर हो गई आपकी ऊंचाई। त्रिज्या तो वही रहेगी, इसकी त्रिज्या तो बदलने वाली है नहीं, और क्योंकि हम इसके चारों ओर लगा रहे हैं इसका मतलब वक्र पृष्ठ ज्ञात कर रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे लेबल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr×h, ये सूत्र हो गया। अब 2 × π का मान 22/7 / r कितना है भाई, 7 सेंटीमीटर है, इंटू ऊंचाई कितनी होगी, 16 होगी, 7 से 7 कट गया, क्या बचा, 2×22×16। अब पहले 2 का 22 से गुणा करो 44, इंटू अब 16 का गुणा करो, तो 44 में 16 का गुणा करो, 16 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, 16 × 64 हासिल का 6, 16 × 64 64 और 6 कितना हो गया, 70। तो उत्तर कितना आया, 704 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 2, ये इस लेबल का जो है क्षेत्रफल आएगा। तो थोड़ी गलती मत करना, ये 2 ऊपर से और 2 नीचे से आपको क्या करना है, घटाना है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।